हमने जो चैप्टर नंबर 4 है प्लानिंग वो कंप्लीट किया था। आज हम जो चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जैसा कि आपको मालूम है मैनेजमेंट के कुल मिला के 5 फंक्शन है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट का सेकंड बेसिक फंक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब देखिए सवाल ये है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के तहत हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें डिसाइड की जाती है। What activities are to be conducted? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज वन ऑफ द एक्टिविटी। परचेज ऑफ एसेट, इट इज वन ऑफ द एक्टिविटी। परचेज ऑफ स्टेशनरी, इट इज वन ऑफ द एक्टिविटी। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज वन ऑफ द एक्टिविटी। Stocking of goods, research, marketing, sales, advertisement, finance, accounting, ये सभी हमारे व्यापार में होने वाली क्या है, activities है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सारी activities को identify करेंगे कि हमें अपने institution को smooth चलाने के लिए कौन कौन सी activities perform करनी है। ये सबसे पहला काम है organizing का। नंबर 2 पे आता है हाउ आर एक्टिविटीज आर टू बी ग्रुप। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं उनकी ग्रुपिंग की जाती है। जो सिमिलर एक्टिविटीज होती है उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। जैसे अपने को रॉ मटेरियल परचेज करना है, अपने को एसेट्स परचेज करनी है, अपने को स्टेशनरी परचेज करनी है, तो उसका एक ग्रुप बन जाएगा जिसको हम परचेज डिपार्टमेंट कहेंगे। उसके बाद आपको रिसर्च करनी है, आपको प्रोडक्शन करना है, आपको माल की स्टॉकिंग करनी है, तो उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनेगा, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपको सेल्स करनी है, मार्केटिंग करनी है, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बन जाएगा आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के तहत, सबसे पहले जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जो सिमिलर एक्टिविटीज है उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा जिसको हम डिपार्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर टू बी डेलीगेटेड। देखिए जब भी किसी व्यक्ति को, किसी डिपार्टमेंट को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कोई काम सौंपा जाता है जिसको हम असाइनमेंट ऑफ वर्क बोलते हैं, तो हमें ये भी देखना होता है कि उस काम को सही ढंग से करने के लिए उसे कितनी अथॉरिटी चाहिए, कितनी पावर चाहिए, तो वो अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, अथॉरिटी सौंपी जाती है। और लास्ट में आता है हु रिपोर्ट्स टू हु। हु रिपोर्ट्स टू हु का मतलब होता है हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबोर्डिनेट है। वी हैव टू डिफाइन द रिलेशन ऑफ सुपीरियर एंड सबोर्डिनेट। हर व्यक्ति को संस्था में ये पता होना चाहिए कि उसकी पोस्ट क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो किससे ऑर्डर लेगा, किससे वो ऑर्डर, किसको वो ऑर्डर देगा, किसको वो रिपोर्ट करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें क्लियर की जाती हैं अंडर द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो नटशेल में अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, इट इज नॉट ए सिंगल एक्टिविटी, इट्स ए प्रोसेस। सबसे पहले जितनी भी एक्टिविटीज हम संस्था में करेंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद जो सिंगल एक्टिविटीज है उनकी ग्रुपिंग की जाएगी, उनको एक डिपार्टमेंट के रूप में एस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके बाद जिस डिपार्टमेंट को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाएगी उसी के प्रोपोर्शन में उसको पावर दी जाएगी, अथॉरिटी दी जाएगी, और उसके बाद सुपीरियर और सबोर्डिनेट का रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा कि कौन व्यक्ति किसको ऑर्डर दे सकता है, कौन व्यक्ति किसको रिपोर्ट करेगा। इस प्रकार की क्लैरिटी दी जाएगी ताकि ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाया जा सके, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव किया जा सके। दिस इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। नाउ फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जो सेकंड हमारा जो स्टेप रहेगा वो है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।
देखिए फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क। जब हम ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड, और उसके बाद कोई भी काम उसी व्यक्ति को सौंपा जाता है जो उस काम को करने में एक्सपर्ट है, निपुण है। नेचुरल सी बात है, जब एक व्यक्ति जिस काम को करने में एक्सपर्ट है उसको वही काम सौंपा जाएगा तो हमें बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति धीरे धीरे उस काम को करते करते एक्सपर्ट हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, उसका फायदा संस्था को मिलेगा। ओके, नंबर दो पे आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। तो वी हैव टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल, एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक आपका सेल डिपार्टमेंट है। तो कल को अगर मान लीजिए सेल डिपार्टमेंट कोई ऑर्डर लेता है तो वो तुरंत प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि हमने इतने माल का ऑर्डर ले लिया है, आने वाले महीने में हमें इतना माल तैयार चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तुरंत परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा कि हमें इतना रॉ मटेरियल परचेज करके दो, हमें प्रोडक्शन करके सेल डिपार्टमेंट को देना है। परचेज डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहेगा कि पैसे को अरेंज करो, हमें इतना मटेरियल परचेज करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना है। तो ऐसे क्या होगा, सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का हमें फायदा मिलेगा। प्लुरलिटी ऑफ पर्सन, देखिए ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है वो वहीं पे काम करेगा जहां पे किसी संस्था के अंदर बहुत सारे व्यक्ति काम करते होंगे। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में केवल अकेला व्यक्ति काम करता है तो वहां पे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की आवश्यकता नहीं होती, इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे लोगों का होना जरूरी है। और नंबर चार पे आता है कॉमन ऑब्जेक्टिव। जैसे आप एक संस्था में देखोगे कितने सारे डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट परचेजिंग में लगा हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में लगा हुआ है, सेल डिपार्टमेंट सेल करने में लगा हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस को मैनेज करने में लगा हुआ है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अकाउंटिंग करता है। वैसे तो सारे के सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सभी का एक ही है। सभी संस्था की जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना, संस्था को एक्सपेंशन ग्रोथ, उसके लिए काम करते हैं। तो चाहे सारे देखने में अलग अलग काम करते हैं लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सभी का एक ही होता है। ओके, तो दीज वर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जब हम ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो मैंने बताया था कि छोटे सिंगल एक्टिविटी इट्स ए प्रोसेस, ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज वी हैव टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि संस्था के अंदर कुल मिला के कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें क्या करनी है, परफॉर्म करनी है। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज वन ऑफ द एक्टिविटी। जैसे परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ स्टेशनरी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड्स, दीज आर सो मेनी एक्टिविटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज व्हिच आर टू बी परफॉर्मड इन द ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंडली डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज हम संस्था के अंदर परफॉर्म करने वाले होते हैं हमें उसकी ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग का मतलब होता है जो सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज है उनको एक ग्रुप में शामिल किया जाता है। जैसे कि आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, आपको स्टेशनरी परचेज करनी है, आपको एसेट्स परचेज करनी है, तो उसको हम एक ग्रुप में रखेंगे। जैसे आपको प्रोडक्शन करना है, रिसर्च करनी है, आपको स्टॉकिंग ऑफ गुड्स करना है, उसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर रखेंगे। हमारे को एडवर्टाइजमेंट करनी है, मार्केटिंग करनी है, सेल करनी है, उसको हम एक अलग से डिपार्टमेंट में रखेंगे, दैट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार से जो सिमिलर एक्टिविटीज है उनको एक ग्रुप में शामिल किया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। देखिए डिपार्टमेंट आपने बना दिया, उसके बाद डिपार्टमेंट को चलाने के लिए हमें एक काबिल व्यक्ति चाहिए।
परचेज डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक अलग से व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, परचेज मैनेजर। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको चलाने के लिए हमें अलग से एक्सपर्ट चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर। मार्केटिंग को चलाने के लिए मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए फाइनेंस मैनेजर। तो ध्यान रहे जितने भी अलग अलग ये डिपार्टमेंट होते हैं इनको एक कैपेबल व्यक्ति की गाइडेंस में उसकी लीडरशिप में चलाया जाता है, राइट। और लास्ट में आता है एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होता है बेटा कि हमें संस्था के अंदर एक रिलेशनशिप चार्ट क्रिएट करना होता है कि संस्था में किसी व्यक्ति का डेजिग्नेशन क्या होगा, उसके नीचे काम करने वाले व्यक्तियों को सबॉर्डिनेट कहा जाता है, उससे ऊपर काम करने वाले को सुपीरियर कहा जाता है। तो वी हैव टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड द रिलेशन ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि कौन मेरे नीचे काम करेगा और कौन मेरा बॉस होगा, कौन मुझे ऑर्डर दे सकता है, मैं किसको ऑर्डर दे सकता हूं, कौन मुझे रिपोर्ट करेगा और मैं किसको रिपोर्ट करूंगा। इस प्रकार की रिलेशनशिप क्लियर होनी चाहिए, इससे संस्था का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो काफी क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए जो मैंने आपके साथ मीटिंग डिस्कस किया, आपके साथ जो फीचर डिस्कस की, आपके साथ जो प्रोसेस डिस्कस किया, उससे काफी हद तक आपको जो ऑर्गेनाइजिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। जैसे पहला पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप सभी को पता है अंडर द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो व्यक्ति जिस काम को करने में एक्सपर्ट होता है उसको वही काम सौंपा जाता है। उसका फायदा ये मिलता है कि काम की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी, वेस्टेज कम से कम होगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा। तो ये सारे फायदे हमारे को मिलेंगे, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। ओके, नंबर दो पे आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। हर व्यक्ति को ये पता होगा कि मेरा सुपीरियर कौन है, मेरा सबॉर्डिनेट कौन है, किसको मैं ऑर्डर दे सकता हूँ, कौन मुझे ऑर्डर दे सकता है, मुझे किसको रिपोर्ट करना है, कौन मुझे रिपोर्ट करेगा। और जितनी वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी होगी उतना ही कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, उतना ही एडमिनिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव होगा। ओके, नंबर तीन पे आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए तीन प्रकार के रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं। एक होते हैं आपके फिजिकल रिसोर्सेज जिसमें आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह आता है। एक आपका ह्यूमन रिसोर्सेज जिसमें आपके एम्प्लॉइज, आपके वर्कर आते हैं। और एक होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिसमें आपका पैसा आता है, धन आता है, मनी आता है। तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के तहत इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से अच्छे प्रयोग हो। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज हो, क्योंकि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं बहुत वैल्यूएबल होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो हमें उनका अच्छे से प्रयोग करना होता है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के तहत जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जाता है। एडेप्टेशन टू चेंज। अब देखिए जिस प्रकार के एनवायरमेंट के अंदर हम काम करते हैं उसको डायनामिक एनवायरमेंट बोलते हैं। देखिए डायनामिक एनवायरमेंट का मतलब होता है जिसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं। एनवायरमेंट के अंदर आपका पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, आपका लीगल एनवायरमेंट है, सोशल एनवायरमेंट है, तो इसके अंदर लगातार चेंजेस होते रहते हैं। हम इन चेंजेस को नहीं रोक सकते। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस काबिल बनाना है कि जब भी कोई चेंज हो तो हम उस चेंज को हैंडल कर सके, उस चेंज को चैलेंज कर सके, उस चेंज को एक्सेप्ट कर सके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसके अनुसार माउंट कर सके। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के तहत हम संस्था को इस चीज के लिए तैयार रखते हैं कि अगर एनवायरमेंट में कोई चेंज होगा तो हम उसको इजीली अडॉप्ट कर सके, उसके नेगेटिव इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के तहत जो व्यक्ति के अंदर जो काबिलियत होती है, जो कॉम्पिटेंस होती है, जो एफिशिएंसी होती है, उसी के अनुसार काम को सौंपा जाता है। और नेचुरल सी बात है जब एक व्यक्ति को उसके इंटरेस्ट के मुताबिक, उसकी कॉम्पिटेंस के मुताबिक काम सौंपा जाता है तो वो अपने फुल पोटेंशियल में काम करता है। और जब एक व्यक्ति फुल पोटेंशियल में काम करता है तो उसकी भी ग्रोथ होती है, उसकी भी डेवलपमेंट होती है। और लास्ट वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखिए
एडिशन आपको मिलेगा, डिवीजन ऑफ वर्क आपको फायदा मिलेगा, तो नेचुरल सी बात है आपकी संस्था एक्सपेंड होगी, आपकी संस्था क्या करेगी, ग्रो करेगी। ओके बेटा, टेक केयर, स्टे होम। ओके, थैंक यू।